53 किलो 10 पैकेट काटा हो जाता है, 10-20 काटा हो जाता है 100 में, उसके बाद 53 लगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर, मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय है बाबा भरपानी कोल्ड स्टोरेज शिवराजपुर में, और अगर बात की जाए तो हमारे साथ मैनेजर साहब भी हैं, कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी हैं, और कई व्यापारी भी हैं, कई किसान भाई भी हैं। तो सबसे पहले बात, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज मालिक से भी बात हुई, किसानों से भी बात हुई, व्यापारियों से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस कोल्ड स्टोरेज में शिवराजपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा निकासी है, तो उस पर भी चर्चा होगी, और इस क्षेत्र में आलू की जो बिक्री चल रही है उस पर भी चर्चा होगी। अभी सामने की तरफ आपको आलू दिखा भी सकते हैं, इस आलू की बिक्री भी हो चुकी है। तो हमारे साथ कई किसान भाई हैं, इन लोगों से शुरुआत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रोहित। अपने क्षेत्र में बताइए, कच्ची आलू वगैरह कुछ बुवाई आप लोग करते हैं क्या? नहीं जी करते हैं। तो कब से चालू हो जाएगी? थोड़ा बहुत चालू है, थोड़ा बहुत चालू जी। तो लगभग अनुमान अगर किया जाए तो कितने दिनों में अच्छी तरीके चालू हो जाएगी? 15 से 20 दिन में चालू हो जाएगा अपने आप। 15 से 20 दिन में चालू हो जाएगा। और कई लोग भी हैं, आपसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राजेश। आप कोल्ड स्टोरेज कर्मचारी हैं या व्यापारी हैं? कर्मचारी। कर्मचारी हैं। तो अपने कोल्ड बताइए क्या स्थिति, किस तरीके से किसान आ रहा है इस समय कोल्ड में? इस समय किसान रुक रुक के आ रहा है, लेकिन बिक्री हो रही है। बिक्री हो रही है। और अगर बात की जाए बीज वाला आलू चढ़ाने के लिए किसान आने लगा? हाँ, थोड़ा बहुत आ रहा है, 4-6 रोज में और बढ़ेगा। और बढ़ेगा। कच्ची वाला अपने क्षेत्र में बुवाई वगैरह कुछ होती है इधर? हाँ, थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत होती है। तो आप किसान है, व्यापारी, कोल्ड स्टोरेज कर्मचारी? कर्मचारी आप भी। हाँ, तो अपने कोल्ड में एक बात ये बताइए, जैसे कि मालिक साहब ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में शिवराजपुर क्षेत्र में निकासी बढ़ गया है, तो कितना तक निकाल दिया आप लोगों ने? हमारे यहाँ लगभग 60% निकल चुका है। 60%। तो बीज वाला भी अभी किसानों ने कुछ चालू किया? नहीं किया कुछ, इसे थोड़ा वो नाम मात्र, लेकिन एक हफ्ता बाद कुछ तेज से निकासी शुरू हो जाएगी बीज की। मतलब 1000-2000 पैकेट अभी नहीं निकला बीज वाला? नहीं, इतना तो निकल चुका लगभग, 1000-2000 निकल चुका। तो व्यापारी महोदय आप बताइए क्या पोजीशन में आलू खरीद रहे हैं? हमारा नाम नसीरुल जुबैर पप्पू है। आलू यही पोजीशन है कि 37 बढ़िया 400 रुपए का बिक रहा है। हाइब्रिड यही मान के चलिए बढ़िया सुपर में 300 रुपए का बाहर। बाहर जी। अच्छा, यहाँ जो बिक्री होती है वो सब बाहर की? बाहर होती, मतलब बाड़ा वाला सब किसान को? सब बाहर किसान देता है। अच्छा, यहाँ मतलब कोई वजन के हिसाब से मतलब होती है? 53 किलो बढ़ती जी गीला जी। ये आप लोग मतलब हर पैकेट को तौल? 53 किलो 10 पैकेट काटा हो जाता है, 10-20 काटा हो जाता है 100 में, उसके बाद 53 लग जाता है। अच्छा, बीज का आप लोगों ने कुछ भाव वगैरह इधर खुला है? बीज तो ये यही मान के चलो कि मंडी जाने वाला इसे बिक रहा है, भाड़े समझ लीजिए बिक रहा वाला, मतलब कोई भाव नहीं है अभी, कोई भाव नहीं है बीज ईज का। और जो किसान ले ले अच्छा बीज है, 400 का 500 का 300 का जैसा ले ले। अच्छा, एक बात ये बताइए, जैसे हम लोग शिवराजपुर क्षेत्र में खड़े हैं, इस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कच्ची आलू लगभग कितने परसेंट बुवाई होती है? आलू की बुवाई मतलब आगाई वाला आलू कितना होता है? आगे का तो बहुत यहाँ कम होता है बुवाई, 1-2% होता है, बाकी इधर मकनपुर कन्नौज बिल्लौर साइड में ज्यादा होता है भाई। आगे तो हम लोग कोल्ड स्टोरेज में है निकासी 60% बताई है, तो क्या लग रहा है अनुमान बीज का आलू लगभग कितने परसेंट जाता होगा? बीज ये मान के चलिए 30% तो जाते ही है। 30% जाता है। तो अगर देखा जाए तो आलू सही निकल रहा है यहाँ? तो अपने यहाँ तो यहाँ तो ठीक है, बारह अन्य कोल्ड स्टोरेज में नहीं निकल पाया इतना, अन्य कोल्ड में नहीं। हाँ, तो कोल्डो में नहीं निकल पाया, तो मालिक साहब भी हैं, मालिक साहब से बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रवीण कटियार। कटियार जी ये बताइए, आप लोग तो खेती करते रहते हैं लगातार, तो आपकी कोल्ड निकासी भी अच्छी है, तो बीज का आलू जो लगभग व्यापारी महोदय बता रहे कि 30% चला जाता है, तो अब तो उम्मीद नहीं लग रही कहीं से आपके कोल्ड में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ सब निकल जाएगा, ज्यादातर 15 नवम्बर से 20 नवम्बर के बीच में खाली हो जाएगा। अच्छा, आपके तो संपर्क में कई कोल्ड स्टोरेज ओनर होंगे, तो अपने सिराजपुर क्षेत्र में निकासी क्या पोजीशन है? निकासी लगभग 50 से 60% है। सिराजपुर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आलू सब निकल जाएगा। अच्छा, वो आपके क्षेत्र में देखते हैं? नहीं, नहीं नहीं, हमारे यहाँ क्वालिटी 37-97 आलू की है, और जिसकी दिसंबर तक मांग रहती है, तो इसलिए आलू कोई नहीं रुकेगा, सब बिक जाएगा। नहीं, क्योंकि 30% अगर बीज निकल जाए 10% है, तो 10% फंसने का चांस है नहीं, कोई चांस कहीं से नहीं नजर। अगर आगे आने वाले समय की अगर बात की जाए तो क्या आसपास के जो जिले हैं उनमें क्या लग रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि कन्नौज की तरफ थोड़ा सा आलू फंस सकता है, लेकिन अगर जब इधर के इलाके खाली हो जाएंगे, आगरा है और ये अपना सिराजपुर है, सिरसागंज है, तो फिर उसका भी निकल जाएगा। अपना अगर अनुमान किया जाए तो कब तक खाली होने को हमारी? 25 तारीख से 30 नवम्बर तक खाली हो जाएगा। 25 से 30 नवम्बर तो वही स्थिति है कि 25 से 30 नवम्बर तक कोल्ड स्टोरेज खाली हो जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए कोल्डों की, तो कोल्डों में शिवराजपुर में औसतन अगर माना जाए तो 50% के आसपास निकासी है, और अगर बात की जाए बिक्री की, तो बिक्री कन्नौज और
शिवराजपुर क्षेत्र में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं, वही स्थिति है। लगभग मैं निकासी की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में निकासी ज्यादा है, और उस निकासी का अगर आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं शिवराजपुर क्षेत्र में आलू फंसता हुआ नजर नहीं आता। जैसे हम लोग बिल्लौर क्रॉस करते हैं, कन्नौज की तरफ बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं निकासी डाउन होती लगातार चली जाती है। कन्नौज से शिवरा में पहुंचते हैं, डाउन होती है, तो वही स्थिति है। अगर धरातल में देखें तो कानपुर क्षेत्र में आलू की निकासी ठीक ठाक है और आलू की बिक्री लगातार किसान कर रहा है।